हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। तो आपके लिए हमने एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इसरो में आया हुआ है। क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको एक स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका? आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब विद रेटिंग 100 बार 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, लेट द पावर डिसिपेट W1, देन द सेम बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सप्लाई, लेट द पावर डिसिपेट बा W2। ओके, W1/W2। तो ये क्या कह रहा है कि आपके दो बल्ब हैं, ठीक है, आपके क्या हैं 100 वाट के, ठीक है, क्या हैं आपके 100 वाट के दो बल्ब हैं रेटिंग के, ठीक है, समान रेटिंग है दोनों की, और दोनों कैसे हैं, पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनकी पावर क्या है, W1 है, और ठीक है, पावर जो क्षय हो रही है वो W1 है, और आपके समांतर में जोड़ने पर उसकी जो पावर क्षय हो रही है वो क्या है आपकी W2 है। तो W1/W2 का आपको क्या करना आना है, रेशो बताना है, ठीक है, अनुपात बताना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हम। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई दो लैंप हैं आपके, ठीक है, पहले क्या है सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, दोनों की रेटिंग क्या है 100 वाट, इसकी भी 100 वाट है, वोल्टेज इसकी क्या है 200 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज क्या है 200 वोल्ट है। अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो जो पावर वह है वो आपका क्या है, आपका पावर वह W1 माना है इसमें, राइट। और अगर क्या है ये आपके इन्हीं को दोनों लैंपों को क्या कर जोड़ दें हम, समांतर में जोड़ दें, ठीक है, दोनों लैंपों को हम अगर समांतर में जोड़ दें, ठीक है, और ये सेम रेटिंग है, मतलब इसको भी 200 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ये भी 100 वाट, ये भी 100 वाट। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है आपका कि W1:W2 बराबर क्या होगा, ठीक है, W1:W2 बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जब भी सीरीज में अगर बल्ब लगे हुए हैं या कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसमें जो पावर डिसिपेट निकालना है उसका जो फार्मूला होगा, ठीक है, उसका फार्मूला जो होगा आपका वो क्या होगा कि ये दोनों लैंप लगे हैं, मान लो इसका पावर क्या है आपका P1 है, इसका मान लो क्या है आपका P2 है, तो क्या होगा, देखो इसका जो पावर हो जाएगा का जो फार्मूला हो जाएगा, है ना, पावर का फार्मूला हो जाएगा आपका, देखिए पावर का फार्मूला हो जाएगा जब सीरीज में लगे हुए होते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, सीरीज में लगे हुए होते हैं तो दोनों पावरों को जो P1 to P2/P1+P2, इस फार्मूले का उपयोग करके हम सीरीज में पावर वे निकाल लेंगे, ठीक है, और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो उसमें जो फार्मूला लगेगा आपका P1+P2, ठीक है, इन फार्मूले का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी पावर वे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए P1 P2 मतलब 100 × 100/200, ठीक है, 100 + 100 200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 50 वाट। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए आप, और 2 से ये हो जाएगा आपका 50 टाइम्स, तो 50 वाट आ गया पहले का, W1 का मान कितना आ गया आपका 50 वाट आ गया। वैसे क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200 वाट, राइट, 200 वाट हो जाएगा। तो हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, W1/W2 का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो पहले का कितना आ गया आपका 50, दूसरे का कितना आ गया 200, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा यहाँ पे, पाँच से करेंगे तो फोर टाइम जाएगा, तो आपका क्या आ गया 1/4। अब आपको देख लीजिए कि जो आंसर है आपका वो बटे में दिया हुआ है या फिर आपकी काय में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हो। तो पॉइंट में अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, चार का भाग अपन एक में देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन से नंबर का ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, कि कौन से नंबर का ऑप्शन सही है इसमें, बी नंबर का, राइट, बी नंबर का इसमें सही है आंसर। तो आई होप लोगों को यह समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी क्या लगा दिया हो, अगर आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है, आपके अगर सीरीज कनेक्शन दिया हो, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं अच्छे से, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हों, ठीक है, तो उनमें जो पावर वह है वो क्या होगा आपका, पीटी बराबर पी वन प्लस पी टू, ठीक है, इंटू पी वन प्लस पी टू। ठीक है, अगर यहीं पे क्या हो आपके पैरेलल मतलब समांतर क्रम में लगे हों आपके रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे लगे हों पैरेलल में, ठीक है, या आपके जो रेजिस्टेंस तो काय में लगे हों, समांतर क्रम में लगे हों, तो पावर वह कैसे निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा पी वन प्लस पी टू। ठीक, चलिए आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।